हेलो दोस्तों, मैं यास्मीन खान और आप देख रहे हो यास्मीन खान का चैनल। और मैं आप लोग के साथ आज एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जिसको सुन करके आप लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाने वाले हो। और कसम से कहूँ तो मैं भी इस चीज़ को सुन करके लोटपोट हो गई थी हंस हंस के। मेरी तो मतलब सांस फूल गई थी हंस हंस के। दोस्तों, हम लोग अक्सर तनकीद करते हैं अल्लाह सुभान व तआला पे कि उनको यही नहीं पता कि वो ज़मीन बना दिया है तो ज़मीन जो है वो चपटी है कि गोल है, दिन रात कैसे होते, उनको यही नहीं पता और हम उसको खुदा कहते हैं। तो ये तो रहा कुरान की हालत, लेकिन आप लोग को बताऊं इससे भी बुरी हालत जो है वो बाइबल की है। और मैं सच सच कहती हूँ, आप लोग जब इसकी और उस चीज़ को पढ़ोगे तो आप लोग को इतनी हंसी आएगी, आप लोग खुद को रोक नहीं पाओगे कि भाई ये क्या है, ये क्या मजाक हो रहा है एकदम। मतलब मैं पढ़ती हूँ आपको, मैं बता नहीं सकती आप लोग को। ये बाइबल है, ठीक है, मैं बाइबल खोल लेती हूँ। हम लोग बाइबल पे हैं, बाइबल के पूर्व विधान में यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट में, और वहाँ से हम लोग उत्पत्ति नामक अध्याय 50वां उसमें जाते हैं। वचन नंबर 1 पढ़ते हैं, इसमें जितनी भी बातें लिखी हुई हैं Genesis 1 उत्पत्ति 1 में, उसमें आपको दुनिया दुनिया को यहोवा परमेश्वर ने कैसे क्रिएट किया था उसके बारे में जानने को मिलेगी। तो आइए हम लोग अब हमारे यहोवा परमेश्वर की नॉलेज के बारे में देखते हैं कि उनको कितना नॉलेज था। ठीक है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी कि सबसे पहले आकाश और ज़मीन को, पृथ्वी को बनाया। 2nd वचन, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। 3, तब परमेश्वर ने कहा उजियारा हो, तो उजियाला हो गया। 4, परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग कर दिया। यानी कि उस समय अंधेरा था ज़मीन पे, पृथ्वी पे, और परमेश्वर ने देखा कि अरे ये क्या, यहाँ तो अंधेरा है, तो उन्होंने उजियाले और अंधेरे को अलग कर दिया। अब दोस्तों, उजियाले और अंधेरे को अलग कैसे कर सकते हैं? अंधेरा जो है वो उजाले के साथ रहेगा तब तो वो रोशन हो जाएगा, कोई बाउंड्री रहेगी रही होगी ना। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। परमेश्वर ने उजियालों को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर याद रखना कि पहला दिन हो गया है। यहाँ पर अब जो यहोवा परमेश्वर है उन्होंने दिन और रात को अलग कर दिया, अब यहाँ पर पहला दिन हो गया। 6, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो जाए कि जल दो भाग हो जाए। फिर आगे पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। 8, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। अब यहोवा ने पहले आकाश और पृथ्वी बनाई थी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, पानी के बीच जो है वो अंतर बनाया, जल को अलग अलग कर दिया, और उसको क्या कहा, आकाश कहा। फिर 9 पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान से इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। 10, और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, था जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब 11 पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। 12, तो पृथ्वी से हरी घास, छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे, और परमेश्वर ने देखा और कहा अच्छा है। 13, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। दोस्तों, 3 दिन हो गए परमेश्वर को सारे बनाते हुए। 14, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए, यानी अभी तक दिन और रात अलग नहीं हुए, अंधियारा और उजाला अलग हो चुका है लेकिन दिन और रात अभी अलग नहीं हुए हैं। तो फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों, और वे चिन्हों और नियमों, समय और दिनों और वर्षों के कारण हों। 15 पढ़ेंगे, और ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर
प्रकाश देने वाली भी ठहरे और वैसा ही हो गया। फिर 16, तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई। याद रखिए, परमेश्वर ने कितनी ज्योतियाँ बनाई? दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई, और उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता रखने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। अब यह ध्यान देने वाली बात है कि यह हुआ, परमेश्वर ने दो ज्योति बनाई, एक ज्योति दिन के लिए बड़ी वाली, एक ज्योति छोटी वाली रात के लिए, और साथ में तारागण यानी तारे बनाए बहुत सारे। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तारों के ऊपर में जो सैयारे दिखते हैं। तो यहाँ पर साबित होगा ये कि यहाँ पर अल्लाह, सॉरी, ये जो यहोवा परमेश्वर है, इन्होंने तारा बनाया और दिन के समय बड़ी ज्योति यानी कि सूरज और रात के समय छोटी ज्योति यानी कि चांद बनाया। अब इसको और क्लियर कर लेते हैं। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि पृथ्वी पर वो प्रकाश दे, यानी कि यहाँ क्लियर कर देते हैं कि इसलिए उन्होंने आकाश पे रखा उन बड़ी और छोटे ज्योतियों को कि वो जो है वो किसको रोशन करे? पृथ्वी को। अब यहाँ पर एक सवाल है कि पहले परमेश्वर ने उजियारा और अंधियारा को अलग किया था पहली बार, तब तो वहाँ पृथ्वी में रोशनी हो गई थी। सेकेंड बार दिन और रात को अलग किया तो भी रोशनी हो गई थी। अब तीसरी बार इन्होंने चंद्रमा और सूरज और तारा बनाया, इसमें भी वो रोशनी कर रहे हैं, तो आखिर यह हुआ परमेश्वर कितना रोशनी करना चाहते हैं ज़मीन पे? और यहाँ पर एक और बात जो मज़े की बात दोस्तों ये है कि अब जब वचन 16 पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से छोटी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, सॉरी, बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात में प्रभुता करने के लिए बनाया। और ये 13वां वचन पढ़िए, सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया, यानी कि पृथ्वी के बनने के 3 दिनों के बाद परमेश्वर ने सूरज, तारे और ये जो अपना चंद्रमा है वो बनाया था। यानी कि ये तो वही वाली बात हो गई कि बेटा पहले आया, बाप बाद में पैदा हुआ। अब हमारे यहोवा परमेश्वर को यही नहीं पता है कि भाई पहले सूर्य आया था कि पहले पृथ्वी आई थी, यानी कि अल्लाह वाला कॉन्सेप्ट है। अब परमेश्वर ने पहले आकाश और पृथ्वी को तो बना दिया, अब उसके बाद उन्होंने अंधियारा और उजियाला को अलग किया, फिर दिन और रात को अलग किया, उसके बाद रोशनी देने के लिए पृथ्वी को, फिर सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, तारे बनाए, और उसके बाद हर ये हो गई कि पृथ्वी के बनाने के 3 दिन के बाद उन्होंने सूर्य को बनाया, और उससे पहले उन्होंने जीव जंतु पेड़ पौधे बना दिए थे। तो जब जीव जंतु पेड़ पौधे उन्होंने बना दिए थे और ये पृथ्वी पहले क्रिएट हो चुका था, तो वैज्ञानिक बताते हैं कि सूर्य के भाग से ही पृथ्वी का निर्माण हुआ है, अन्य ग्रह भी उसी तरह बने हुए हैं। तो पहले तो सूर्य आया है, उसके बाद जो है पृथ्वी आई, और पृथ्वी आने के पश्चात जो है वो मेटेराइट के टकराने से चंद्रमा बनी है। तो पहले सूर्य आया, उसके बाद पृथ्वी आई, फिर चंद्रमा आया। अब ये बड़ी हंसने वाली बात है कि यहोवा, जिसको बोलते हैं लोग कि इसके इतने बड़े फॉलोअर इस मज़हब के, ईसाई मज़हब के, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ईसाई मज़हब के लोग होते हैं, और उनकी यहोवा परमेश्वर का नॉलेज को देख लो, ये बोल रहे हैं कि पहले पृथ्वी आई, बाद में सूर्य आया। अब वो भी ऐसी परिस्थिति में बता रहे हैं जिसको सुन के आदमी जो है वो पागल हो जाए, और सिर जो है वो अपने किसी पत्थर पे मार के मर जाए। वो कोई भी इंसान जिसके पास सेंस होगा वो ईसाइयत को बिल्कुल सही नहीं मानेगा, हो भी नहीं सकता। ये कन्वर्जन जो होते हैं वो ज्ञान के आधार पे नहीं हो सकते, वो सिर्फ पैसे या किसी और या माइंड जो है ना वाश करते हैं लोग, उसके आधार पे हो सकते हैं। इनके पास कोई सेंस नहीं है, कोई साइंस नहीं है। और आखिर में मैं अपने ईसाई भाइयों को एक चीज़ कहना चाहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपके यहोवा परमेश्वर आपको मिल गए तो सबसे पहले उनको बोल दीजिएगा कि हे यहोवा परमेश्वर, आप प्लीज़ 6वीं क्लास पढ़ लो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि पहले पृथ्वी आई थी कि पहले सूर्य आया था। उसके बाद जो है आप बाइबल में सबको ज्ञान देते रहना। ठीक है दोस्तों, आप लोग को मेरी वीडियो सही लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।